हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे डिस्कस करूंगा। हमारे पेंडिंग आर्टिकल्स थे हाइट ऑफ इंटरविजिबिलिटी, हाइट ऑफ स्टेशंस, आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइकवाइज बैरोमीटर, थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, गाइड इंस्ट्रूमेंट्स, आपका बेसलाइन मेजरमेंट के लिए रिजिड बार एपरेटस, फ्लेक्सिबल एपरेटस, एग्जांपल्स आर कोलबी एपरेटस, जेड्रेन एपरेटस डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइट ऑफ इंटरविजिबिलिटी और इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड आपका कैप्टन जीटी मैगो मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड के न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड एएसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स सिग्नल्स एंड बिबली टावर्स। तो सिग्नल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यू कैन से ओपेक सिग्नल, ल्यूमिनस सिग्नल और यू कैन से सन लाइट सिग्नल, सन सिग्नल्स, नाइट सिग्नल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन आर्टिकल है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर ट्रायंगुलेशन सर्वे। हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट से ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए स्मॉल थर्मोलाइट एंड सेक्सटेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए बता चुका हूं, प्रिज्मेटिक कंपास बीयरिंग्स के मेजरमेंट करने के लिए। मैंने आपको लेवलिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था बैरोमीट्रिक सर्वे और बैरोमीट्रिक लेवलिंग। बेसिकली एलिवेशंस को डिटरमाइन करने के काम आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैरोमीट्रिक लेवलिंग। मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर एट टू पॉइंट्स, जहां पर भी आपको डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, स्टील टेप, आपका टेलीस्कोप या पावरफुल फील्ड ग्लास, हेलियोट्रॉप्स। मैं आपको सिग्नल्स एंड टावर्स में इसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा हेलियोट्रॉप्स क्या होते हैं। इंटरविजिबिलिटी को टेस्ट करवाने के काम आते हैं कि चीजें इंटरविजिबल हैं या नहीं है। ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइकवाइज ड्राफ्टर, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, इरेजर, सच एंड सच थिंग, ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स, गाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। गाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स के बारे में अभी डिस्कस करना बाकी है। सो माय डियर, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारी बेसलाइन की मेजरमेंट कैसे होगी। बेसलाइन की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज रिजिड बार इंस्ट्रूमेंट्स एंड वन इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखिएगा, पहले फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में डेप्थ में डिटेल में डिस्कशन आफ्टर रिजिड बार एपरेटस हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इसका बेसिक एग्जाम्पल इज जेड्रेन इंस्ट्रूमेंट्स, जो यूज करता है ट्राइपॉड्स को, टेप्स को, जो कि एक्यूरेट वैल्यू देने के काम आते हैं। मीन्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कोलबी एपरेटस, वुडवर्ड आइस बार एपरेटस, जेड्रेन एपरेटस, एम्बेक डुप्लेक्स एपरेटस, इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा वैल्यू देगा, तो आंसर शुड बी जेड्रेन एपरेटस, मोर एक्यूरेट वैल्यू जब भी ये आपका यूज होता है। इसको इनको इस प्रकार से यूज किया जाता है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ये लूज ना करें। तो अभी तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है अबाउट फ्लेक्सिबल एपरेटस, हम लोग डेप्थ में डिस्कशन करेंगे एक बार ये कंप्लीट हो जाए हमारा रिजिड बार एपरेटस एक बार कंप्लीट हो जाए। बट एक बात याद रखिएगा, इंडिया में जब भी आपको बेसलाइन की लेंथ चूज करनी है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन। अगर आप प्राइमरी ट्रायंगुलेशन और यू कैन से वन डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन को एडॉप्ट कर रहे हो तो आप बड़ी लेंथ चूज कर सकते हो, और थर्ड ऑर्डर और यू कैन से टर्शियरी ट्रायंगुलेशन को एडॉप्ट कर रहे हो तो आपको छोटी लेंथ चूज करनी पड़ेगी। इंडिया में
जब आपका इनिशियली ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे GTS जब आपका स्टार्टिंग में किया गया था बाई यू कैन से माउंट जॉर्ज एवरेस्ट, तो उस टाइम पर 10 बेसिस को सिलेक्ट किया गया था। उनमें से 10वां जो बेस था, 10th बेस जो था, उसकी लाइन, उसकी लेंथ आपकी 1.7 माइल्स थी। एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिए। तो 10th बेस जो है उसकी लेंथ आपकी 1.7 माइल्स थी, याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट रिजिड बार एपरेटस। इसमें आपके टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। कॉन्टैक्ट एपरेटस, ऑप्टिकल एपरेटस, कंपनसेटिंग बेस बार एपरेटस, बाईमेटालिक नॉन कंपनसेटिंग बेस बार एपरेटस एंड मोनोमेटालिक बेस बार्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एपरेटस। नाम सजेस्ट कर रहा कॉन्टैक्ट, तो जो बार्स जो होंगी उनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। इसके कैटेगरी में एक ही एपरेटस आता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेक डुप्लेक्स एपरेटस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोडेटिक सर्वे यूज करता है, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट सर्वे यूज करता है, याद रखिएगा एम्बेक डुप्लेक्स एपरेटस। हाँ जी, ये हमारा कॉन्टैक्ट एपरेटस के बारे में था। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट इज ऑप्टिकल एपरेटस। कॉन्टैक्ट एपरेटस को मैं यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज, सारा रिजिड बार भी चल रहा है आपका, यू कैन से ऑप्टिकल एपरेटस। नाम सजेस्ट करा ऑप्टिक्स को यूज करेगा, तो माइक्रोस्कोप्स टेलीस्कोप्स को यूज करेगा। जो भी इफेक्टिव लेंथ है उनके ऊपर, बार्स के ऊपर खुद एनग्रेव्ड की जाती हैं। एनग्रेव्ड का मतलब होता है वहां पर ग्रेजुएशन मार्क की जाती हैं एंड ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप्स, और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है। इस कैटेगरी में आपके दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कोल्बी एपरेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको मैं डेप्थ में डिस्कशन करूंगा, एक बार ये पूरी कैटेगरी को डिस्कस कर देता हूं। एंड वुडवर्ड आइस्ड बार एपरेटस, वुडवर्ड बाय आइस्ड बार एपरेटस रशियन सिस्टम में यूज होता है, और कोल्बी एपरेटस आपका इंडियन सर्वेज के लिए यूज होता है, ऑर्डिनेंस सर्वेज के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। हमारे दो एपरेटस खत्म हो गए हैं और फिनिश हो गए हैं, कोल्बी एपरेटस को अभी डेप्थ में डिस्कशन करना बाकी है। तो अभी हम इन तीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा, जो हमारा कंपनसेटिंग बेस बार होता है इसमें कॉन्स्टेंट लेंथ को मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर वेरी करता है बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। जनरली जब भी टू और मोर मेटल्स की बात आती है तो जनरल केस में स्टील एंड ब्रास का यूज होता है, मतलब दो मेटल्स आपके स्टील, एक मेटल ट्यूब आपकी स्टील की, एक मेटल ट्यूब आपकी ब्रास की। एग्जाम्पल इज कोल्बी एपरेटस। कोल्बी एपरेटस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो कंपनसेटिंग बेस बार्स, तो यू कैन से अभी तक हमारा कंक्लूजन हो गया कि जो कोल्बी एपरेटस होगा ये कंपनसेटिंग बेस बार होगा, जिसमें लेंथ ऑफ बार इज मेंटेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, ऊपर बता दिए और वो मैंने बता भी दिया कि स्टील और ब्रास होगा। इट वॉज डिजाइंड बाई मेजर जनरल कोल्बी, क्या एलिमिनेट करने के लिए, इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, चेंजेस मतलब वेरिंग टेम्परेचर था ना ऊपर, वेरिंग टेम्परेचर, तो वेरिंग का मतलब चेंज हो रहा है, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मेजरिंग अप्लाइंस पर कोल्बी एपरेटस काम आता है। अभी कोल्बी एपरेटस का डायग्राम मैं आपको ये डेटा डिस्कस करने के बाद दिखाता हूं। आपका फोर्थ होता है बाईमेटालिक नॉन कंपनसेटिंग। अब बात नॉन कंपनसेटिंग की आ गई, तो दो मेजरिंग बार्स वही रहेंगी, वही स्टील और ब्रास, स्टील एंड ब्रास दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है, जो कि बाईमेटालिक थर्मोमीटर का काम करता है। एग्जाम्पल इज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कॉन्टेक्ट एपरेटस में एम्बेक डुप्लेक्स एपरेटस, डुप्लेक्स वर्ड आ गया तो बाईमेटालिक हो गया। बोर्डा रोड फ्रेंच सिस्टम, बेसल्स एपरेटस जर्मन सिस्टम। जनरल केस में जो आपका एम्बेक डुप्लेक्स एपरेटस है, ये मैं बता ही चुका हूं कि यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे में यूज होता है। तो इसका डेटा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं
आपका मोनोमेटालिक, सिंगल मेटालिक है। सिंगल मेटल में तो स्टील प्रेफर किया जाता है, बेस बस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर वेरिंग नहीं रहता है, टेम्परेचर वेरिंग केवल कंपनसेटिंग बेस बार्स में रहता है, कांस्टेंट रखा जाता है किसके अकॉर्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के अकॉर्डिंग। इसके दो एग्जांपल्स हैं, वुडवर्ड आइस्ड बार एपरेटस, लाइकवाइज कोल्बी एपरेटस होता है, बट फर्क इतना है कि आपका इसमें सिंगल मेटल यूज होता है। स्ट्रू बार दोनों रशियन सिस्टम में यूज होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कोल्बी एपरेटस के डायग्राम की, डिस्कस करता हूँ, देखिएगा ये आपका कोल्बी एपरेटस है, दो मेटल्स की बार लगी हुई है, स्टील और ब्रास, दोनों के बीच में गैप आपका 10 फीट होता है, इतना गैप मोर देन सफिशियंट आपके लिए। जो आपकी मेजर बेस लाइन होती है उसमें आपके एरर के चांस रहते हैं, सम एरर, मेजर बेस लाइन जो है कैन कंटेन सम एरर्स, जो कि आउटपुट की एक्यूरेसी को डिक्रीज कर देता है, विच विल डिक्रीज द आउटपुट एक्यूरेसी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग कुछ करेक्शन सप्लाई कर दें, और स्पेशली जब स्टील और ब्रास, क्योंकि स्टील और ब्रास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या यू कैन से टेम्परेचर सस्पेक्टेड होती है, दैट्स व्हाई स्टील और ब्रास वायर जब यूज करेंगे, ये केवल हम लोग यूज करते हैं स्टील और ब्रास वायर, स्टील टेप्स वगैरह यूज करते हैं केवल फ्लेक्सिबल सिस्टम में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जेड्रेन एपरेटस में आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है और उसमें टेप्स एंड ट्राइपॉड्स का यूज किया जाता है, तो जब यूज करेंगे स्टील टेप्स को तो उस टाइम पर तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एरर आने की, इसीलिए उस टाइम पर हम लोगों को सूटेबल करेक्शन सप्लाई करनी पड़ती है सच दैट की एक्यूरेसी कम ना हो। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फ्लेक्सिबल एपरेटस बेसलाइन मेजरमेंट के लिए, लाइकवाइज स्टील टेप, इनवायर टेप, स्टील एंड ब्रास वायर्स। पहले तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल एपरेटस की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। भाई टेप कोल्बी एपरेटस से बड़ा है तो ग्रेटर लेंथ होती है, इसीलिए हमारे पास बेसलाइन को चूज करने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि रफ ग्राउंड हो बेशक, आपका वाटर गैप हो, मीन्स बीच में कोई कैनाल हो, बीच में कोई रिवर हो, उस लेंथ को भी यूटिलाइज किया जा सकता है बड़ी लेंथ के कारण, बड़ी लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के कारण, स्पीड ज्यादा आएगी, कम एक्सपेंसिव होते हैं। कोल्बी एपरेटस का कॉस्ट अप्रोक्स 10,000 के आसपास होता है, तो स्टील टेप अप्रोक्स आपका 200-400 रुपए का जाता है। लॉन्गर बेस को एडोप्ट किया जा सकता है, लॉन्गर बेसिस कैन बी यूज्ड, तो लॉन्गर बेस यूज करेंगे तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन होगा, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन होगा तो आपका एक्यूरेट ट्रायंगुलेशन होगा। मोर चेक बेसिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, हम लोग चेक्स ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं क्लोज इंटरवल पर। एक आपका है, अब इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, देखिएगा एक बात याद रखिएगा, आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम को जब यूज करेंगे तो उस टाइम पर दो पार्टीज यूज होती हैं, टू पार्टीज, ट्रायंगुलेशन सर्वे को करने के लिए टू पार्टीज आर यूज्ड। एक पार्टी तो सेटिंग आउट पार्टी कहलाती है और दूसरी पार्टी मेजरमेंट करने के काम आती है, मेजरिंग पार्टी। तो सेटिंग आउट पार्टी तो सारे सेटिंग आउट करेगी, लाइकवाइज ट्राइपॉड को सेट आउट करना सच एंड सच थिंग्स, एंड मेजरिंग पार्टी जो होगी वो मेजरमेंट करेगी फील्ड में। तो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे पहले डिस्कस कर रहे थे, फिर पार्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो फ्लेक्सिबल एपरेटस को यूज करने के लिए इक्विपमेंट की जो जरूरत है वो तीन स्टैंडर्डाइज्ड टेप्स की जरूरत है, एक फील्ड मेजरमेंट करने के लिए, और जो रिमेनिंग दो हैं समय समय पर उस यूज के जो आपका टेप यूज हो रहा है उसको सेट आउट करने के लिए, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन चेक करने के लिए, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया है, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं आ गई है। स्ट्रेनिंग डिवाइस, मार्किंग ट्राइपॉड्स एंड सपोर्टिंग ट्राइपॉड्स। स्टील टेप यूज होता है स्पेसिंग ऑफ द ट्राइपॉड्स को चेक करने के लिए एक्यूरेटली, तो ट्राइपॉड्स की स्पेसिंग एक्यूरेट है कि नहीं है, पाइवोट स्टेशंस की स्पेसिंग एक्यूरेट है कि नहीं है, तो आपका स्टील टेप यूज होता है। 6 थर्मोमीटर यूज होते हैं, 6 थर्मोमीटर्स आर यूज्ड, जिनमें से 4 तो फील्ड में मेजरमेंट करने के काम आते हैं और 2 उन 4 की स्टैंडर्डाइजेशन चेक करने के काम आते हैं समय समय पर, 4 4 4 मेजरमेंट एंड 2 फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द 4 थर्मोमीटर्स।
एक आपका मैंने आपको बताया था कि गाइड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एक सेंसिटिव एंड एक्यूरेट स्प्रिंग बैलेंस आपका होता है यूज फ्लेक्सिबल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं जो फील्ड वर्क जो है बेसलाइन मेजरमेंट के लिए, फील्ड वर्क फॉर बेसलाइन मेजरमेंट वो कैसे किया जाता है चेक कर लेते हैं। फील्ड वर्क फॉर बेसलाइन मेजरमेंट हमारे फील्ड वर्क में दो पार्टीज होती हैं, एक सेटिंग आउट पार्टी एक मेजरिंग पार्टी। इनके बारे में डिस्कस करता हूं, पहले बेसिक सीख लेते हैं। सबसे पहले बेसलाइन को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, ऑब्स्टेकल्स तो कुछ नहीं है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है आधे किलोमीटर से एक किलोमीटर की लेंथ के डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और अलाइनमेंट के लिए आपका थियोडोलाइट यूज करते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट। जब भी आपका अलाइनमेंट चेंज होगा, जैसे हम लोग मार्किंग मार्क कर देते कि अभी रास्ता इधर जा रहा है, रास्ता इधर जा रहा है, रास्ता इधर जा रहा है, तो हम लोग स्टाउट पोस्ट्स को मार्क कर देते हैं। तो एक बार बेस की लाइन, बेस लाइन जो आपकी वो अलाइन हो गई, उसके बाद जो सेटिंग आउट पार्टी है जिसके अंदर दो सर्वेयर्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्टर्स पोर्ट करने के लिए, उनकी ड्यूटी क्या होती है, उसके बाद आपका उनका ड्यूटी क्या है कि मेजरिंग ट्राइपोड्स को अलाइनमेंट में सेट आउट करवाना, मेजरिंग करने से पहले इन एडवांस ऑफ मेजरमेंट एंड एट करेक्ट इंटरवल्स। और जो मेजरिंग ट्राइपोड्स हैं वो सेट करते हैं, वो वन लेंथ ऑफ टेप में सेट करते हैं, मतलब एक यहां पर सेट कर दिया, फिर सेट कर दिया, फिर सेट कर दिया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्टील टेप यूज होगा इन मेजरिंग ट्राइपोड्स की स्पेसिंग को चेक करने के लिए। तो ये काम करने के लिए, मतलब मेजरिंग ट्राइपोड्स को अलाइनमेंट में रखने के लिए दो मेथड्स होते हैं, व्हीलर बेस लाइन मेजरमेंट और अपरेटस और जेड्रेन अपरेटस। स्टार्टिंग में बताया था कि टेप्स की मदद से और ट्राइपोड्स की मदद से जेड्रेन अपरेटस एंड व्हीलर बेस लाइन अपरेटस आपका काम करते हैं, जिसमें मेजरिंग ट्राइपोड्स को एक एक लेंथ, वन लेंथ ऑफ टेप इंटरवल पर सेट आउट करवाया जाता है। तो ये आपकी थी सेटिंग आउट पार्टी। अब हम बात कर लेते हैं मेजरिंग पार्टी। एक बार मेजरिंग ट्राइपोड्स को सेट आउट करवाने के बाद बाय सेटिंग आउट पार्टी, हमारे पास जो मेजरिंग पार्टी होती है जिसके अंदर दो ऑब्जर्वर होते हैं, एक रिकॉर्डर होता है, लेवलर होता है, स्टाफमैन्स होते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट कर लेते हैं। नाउ दिस कंप्लीट्स योर फील्ड वर्क ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो हम लोगों का जो ट्रायंगुलेशन सर्वे में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हमारे दो आर्टिकल्स मेन पेंडिंग है, फिर उनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल पेंडिंग है हाइट ऑफ इंटरविजिबिलिटी, हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड निकालना, और दूसरा आर्टिकल हमारा पेंडिंग है सिग्नल्स एंड टावर्स के बारे में डिस्कस करना। फिर हम लोग हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड एंड हाइट ऑफ इंटरविजिबिलिटी निकालने के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरविजिबिलिटी एंड हाइट ऑफ स्टेशंस। नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरविजिबिलिटी, तो इंटरविजिबिलिटी के लिए तो हमारे सिग्नल्स यूज होते हैं, तो हाइट ऑफ सिग्नल्स जो है, हाइट ऑफ सिग्नल्स एंड जो हाइट ऑफ स्टेशंस हैं वो डिपेंड करता है जी, डिपेंड्स अपॉन बेसिकली थ्री पैरामीटर्स। नंबर ए द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस। नंबर बी आपका रिलेटिव एलिवेशंस ऑफ द स्टेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा आपका है जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। हमारे ये तीन आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं ट्रायंगुलेशन स्टेशंस में, सॉरी ट्रायंगुलेशन सर्वे में से। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशन, प्रोफाइल ऑफ द इंटरवेनिंग ग्राउंड। तो हमारा पहला आर्टिकल है डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। अगर इंटरवेनिंग ग्राउंड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो उस टाइम पर डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन, खुले आसमान में और कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं फ्रॉम द स्टेशन ऑफ नॉन एलिवेशन
अबो द डेटम, हमारा फॉर्मूला होता था डी स्क्वायर ओवर 2r इनटू 1 माइनस 2m। ये बात मैं आपको लेवलिंग वाले चैप्टर में करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका रिजल्ट हमारा आता था 0.0673 डी स्क्वायर। जब आपके डी किलोमीटर में होता था तो एच आपका मीटर में होता था। एच हाइट ऑफ स्टेशन कितनी है अबो द डेटम, एम यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 0.07 फॉर द साइट्स ओवर द लैंड एंड 0.08 फॉर द साइट्स ओवर द सी। अगर हम इसमें आर रेडियस ऑफ अर्थ पुट करता हूं मैं, तो एच की वैल्यू अगर आपको मीटर में निकालनी है तो हम लोग वहां पर देख चुके हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता था 0.06728 डी स्क्वायर। डी हमारा किलोमीटर में होता था, और अगर एच हमें फिट में चाहिए तो 0.574 डी स्क्वायर। डी हमारा माइल्स में होगा। ये हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस और यू कैन से हाइट ऑफ स्टेशंस अबोव द डेटम हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशंस हम लोगों को प्राप्त करना है। मान लीजिए आपकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उस टाइम पर, ये रिलेशन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्टेशन का एलिवेशन ज्ञात करने के लिए। किसकी हेल्प से? किसी भी पार्टिकुलर दूसरे स्टेशन पर जब एलिवेशन हमें पता हो, तो अगर मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस लोकेशन पर ए स्टेशन और आपकी हाइट ऑफ स्टेशन अबो द डेटम पता है, एच टू हमें निकालना है, एच वन हमें पता है, एच टू वी हैव टू कैलकुलेट। तो एच वन की हेल्प से मैं पहले डी वन निकाल सकता हूं। टोटल डिस्टेंस, लेट अस सपोज दैट कैपिटल डी, टोटल डिस्टेंस हमारा कैपिटल डी है, तो मैं पहले एच वन निकाल लेता हूं 0.06728 डी वन स्क्वायर। तो मैंने डी वन निकाला तो यहां से मुझे मिलता है 3.85 अंडर रूट ऑफ एच वन। मेरा डी वन तो आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं डी टू की, तो डी टू हमारा टोटल डिस्टेंस में से, और ये टोटल डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं थोड़ी देर पहले, आपका रिजल्ट आया था एच बराबर है 0.06728 डी स्क्वायर और 0.574 डी स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस में से मैं डी वन घटा दूं तो मेरे पास डी टू हो जाएगा। अब अगर डी टू हो गया तो रिलेशन मेरे को निकालना था एच टू, तो यहां से मैं इसी रिलेशन से डी टू बराबर है 3.85 अंडर रूट ऑफ एच टू। इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूंगा, सोल्व फॉर एच टू। तो हमारा दोनों स्टेशंस, एक स्टेशन हमारा नोन है, एक स्टेशन पर हमारा एलिवेशन अननोन है, जो हम लोगों को निकालना है डी वन कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू, ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो यहां से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। इट वॉज एनालाइज्ड बाई कैप्टन जी टी मैको मेथड। मान लीजिए पॉइंट ए पर किसी भी स्टेशन पर हाइट जो हमें इसी लेवल से वो एच वन है, यहां पर हाइट एच टू है, दोनों के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी हाइट एच, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एट पॉइंट सी, हाइट ऑफ स्टेशन ए फ्रॉम डेटम, हाइट ऑफ स्टेशन बी फ्रॉम डेटम इज एच टू, इज एच वन, इज एच। हम लोगों को ये हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितनी अलाउड हो सकती है, सच दैट कि यहां से यहां तक ये चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, तो ये हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितनी अलाउड हो सकती है ये हम लोगों को निकाला जाता है। स्मॉल एच इज इक्वल टू 1/2 एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू, 1/2 एच टू माइनस एच वन इंटू एक्स बाई एस। अब ये एक्स बताता हूं क्या है, माइनस एस स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1-2m ओवर r। थीटा तो आपका जेनिथ एंगल है जो कि अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास होता है, तो साइन 91 होता है, तो कोसेकेंट 90 भी आपका अप्रोक्स 1 ही हो जाएगा। तो ये तो पूरा डेटा आपका 1 हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले ए और बी के बीच में जो टोटल दूरी है वो है 2s। 2s ऑब्स्ट्रक्शन की लोकेशन हमें पता नहीं है, तो 2s बनाने के लिए मैंने ये मान लिया s प्लस एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट ए एंड s माइनस एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। s माइनस एक्स तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2s ही आ गया है। तो x आप डिसाइड कर सकते हो कोई भी अप्रोप्रिएट मान करके, नहीं तो वो दे भी सकता आपको, तो नहीं तो हम लोगों को ये कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल की कंडीशन क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सारी चीजें हो गई, हमारा 1-2m ओवर r क्या है, तो 1-2m ओवर r की वैल्यू 0.06728, 1-2m ओवर r की वैल्यू 0.574 होती है। कब? जब आपका h, h2, h1 मीटर्स में होंगे। कब? जब आपका s, x एंड रेडियस, ये सारे किस में पुट करोगे आप? किलोमीटर्स में पुट करोगे, तो ये वैल्यू डेटा आपका मिलेगा 0.06728। एंड जब आपका h, h2, h1 आपको फिट में जरूरत है, फिट्स में निकालनी है, तो उस टाइम पर आपको s, x एंड r की वैल्यू माइल्स में पुट करनी पड़ेगी। तो माय डियर ये डेटा इसका पूरा न्यूमेरिकल में आपका क्लियर हो पाएगा, x क्या है, s क्या है, कैसे इसकी हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन निकालेंगे और हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट, हाइट ऑफ लाइन एट ऑब्स्ट्रक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये सारा आपका न्यूमेरिकल में कवर होगा। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट टावर्स। टावर जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर इरेक्ट किया जाता है, इरेक्टेड ओवर ए स्टेशन फॉर सपोर्ट देयर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ऑब्जर्विंग पार्टी जो उसके ऊपर चढ़ती है ऑब्जर्विंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, एंड प्रोवाइड किया जाता है कब? जब सिग्नल को ऊपर लगाना हो या स्टेशन का एलिवेशन बढ़ाना हो, उस टाइम पर दोनों का, सिग्नल स्टेशन या बोथ आर टू बी एलिवेटेड। एलिवेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कंट्री के टेरेन के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड लेंथ ऑफ साइट डिजायर्ड, हमें कितनी दूर देखना है। जो इनर टावर होता है आप डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, ब्लैक पेन से आउटर टावर है और रेड पेन से इनर टावर है। इनर टावर केवल इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है, स्क्रीन को सपोर्ट करता है, लेकिन जो बाहर वाला टावर है ऑब्जर्वर को सपोर्ट करता है, और इसके ऊपर हम लोग लैंप है, लैंप हमारा सिग्नल का काम कर रहा है, यहां पर आपका सिग्नल सिग्नल को सपोर्ट करता है। टावर्स आपके मैसनरी के बन सकते हैं, टिम्बर के बन सकते हैं, स्टील के बन सकते हैं, प्रेफरेबली हम लोग टिम्बर स्काफोल्ड्स को यूज करते हैं, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइट ओवर 50 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा की हाइट के लिए इनको जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। पांच मनुष्य, पांच मैन एक टावर को इरेक्ट कर सकते हैं जिसका वेट 3 टन है 5 घंटे में। याद रखेंगे डेटा, ये जो आपके सामने क्रॉस सेक्शन है और एलिवेशन है, ये आपका बिल्बी स्टील टावर है जो कि ऑब्जर्वर को या सिग्नल को, लैंप जिसको बोला गया है, 30 मीटर की हाइट या 40 मीटर की हाइट तक रेज कर सकता है, बीकॉन ऑफ 3 मीटर हाइयर, 3 मीटर एडिशनल हाइट भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा था टावर्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ट्रेंगुलेशन का पेंडिंग आर्टिकल है डिफरेंट सिग्नल्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ आपका इंटरविजिबिलिटी बिटवीन द स्टेशंस, दैट इज कैप्टन जी टी मैगो मेथड। आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।